निसान डेज है 2015 का मॉडल, 18 के रजिस्टर्ड है, फुल ऑप्शन गाड़ी है, 25,25,000 रुपए मांग रहा हूँ। 2016 की GLI मैनुअल है, ये 33,50,000 रुपए। सिविक होंडा सिविक 2003 12,30,000। अच्छा जी, हमारे पास इंडस करोला हमारे पास मौजूद है भाई, और ये है 93 का मॉडल, 94 की रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे हमारे पास शराड मौजूद है, 84 का मॉडल है, बट ये इंपोर्टेड वेरिएंट है। यहाँ पे हमारे पास शराड मौजूद है, 84 का मॉडल है, बट ये इंपोर्टेड वेरिएंट है, और इसके जो पैसे मांग रहे हैं भाई 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमारे पास इंडस मौजूद है और 299 का मॉडल है और 99 की रजिस्ट्रेशन है, लोकल वेरिएंट है ये, बेसिकली 10.5 लाख रुपए मांग रहे हैं भाई इसके। भाई का चैनल है, भाई भी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप लोग देखा करें भाई, लाइक करा करें, थोड़ा अप्रिशिएट किया करें, ताकि बंदा और ज्यादा मेहनत करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? और अगेन संडे मार्केट से आपके लिए अपडेट लेके मैं आ गया हूँ, और बाजार देख सकते हैं 3 बजे का टाइम है, लग चुका है, और ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, और यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, भाई को सपोर्ट कर लें, और वीडियो कैसे लगी ये कमेंट्स में बता दें, और कौन सी गाड़ियाँ आप लोगों को रिक्वायरमेंट है जिनकी आपने मार्केट बदल करनी है वो भी आप कॉमेंट्स में बताएँ, फिर इंशाल्लाह वो गाड़ियाँ ऐड करेंगे वीडियो में, और चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई डेज हमारे पास 2015 का मॉडल है, 18 की रजिस्ट्रेशन है, और इसका फ्रंट देख सकते हैं आप गाड़ी का, और गाड़ी की फ्रंट पे कोई भी चीज़ आपकी टूटी हुई नहीं मिलेगी आपको, और लाइट्स इसकी शो इसकी बिल्कुल अपनी जगह है, बम्पर आप देख सकते हैं कहीं से भी नहीं टूटा हुआ, बिल्कुल अपनी जगह पे, ये वाली साइड भी गाड़ी की देख सकते हैं आप, और उसके अलावा अगर साइड प्रोफाइल देखें गाड़ी की तो कोई स्क्रैचेस नहीं है, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है। और दूसरी साइड से आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये साइड भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा खास मेजर डेंट वगैरह या स्क्रैचेस नहीं है। और टायर्स की अगर कंडीशन देखें तो टायर्स की कंडीशन 70-80% तो है इस टाइम पे, बहुत साफ़ सुथरे टायर हैं। और उसके अलावा अगर हम रेयर पे आएँ तो रेयर पे इसका शेप देख सकते हैं आप, वैगन शेप है, वैगन स्टाइल है, डेज है निसान की, और उसके अलावा रेयर पे भी क्या कहते हैं आपके कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई गाड़ी कहीं से गली हुई नहीं है। बूट खोल के देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर आपको रेयर वाइपर मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर हाई माउंट ब्रेक लैंप मिल जाता है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है बूट ओपनिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी जेन्युइन है भाई, इसकी डिग्गी कहीं से ये आप देख सकते हैं झड़पे कहीं से नहीं गली हुई, यहाँ पे देख सकते हैं कहीं से नहीं गली हुई है गाड़ी। उसके अलावा आपको हैचबैक के स्पेस कम मिलता है, टूल किट मिली हुई है, और उसके साथ यहाँ पे आपको अच्छा नीचे क्या कहते हैं आपको टूल किट मिली हुई, प्रेशर किट मिल जाती है, और यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, कहीं से भी रस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है गाड़ी में भाई, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये वाला डोर देखते हैं भाई, यहाँ पे मेन स्लाइड मिली हुई है आपको, और ये पूछते हैं भाई जेन्युइन है आफ्टर मार्केट है वो भी अभी पूछेंगे। और उसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं इसके फुटपाथ वगैरह देख लें, पिलर देख लें, यहाँ से कहीं से भी कुछ भी जो है बिल्कुल भी नहीं गली, बहुत साफ सुथरी गाड़ी है। इंटीरियर देख लें, 2 हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, और भाई ये सीट भी फ्लैट हो जाती है इसकी जैसे कि आपको पता ही है। और उसके अलावा डोर्स देख लें आप, यहाँ पर भी कुछ भी टूटा हुआ नहीं है और बहुत गंदे नहीं हो रहे, जबकि डोर के कलर ऐसे हैं कि गंदे होने वाले हैं, लेकिन भाई भाई ने बड़े प्यार से रखी हुई है। ये यहाँ पे भी इस डोर में भी लाइट मिल रही है भाई, एम्बियंस लाइट है। उसके अलावा लंबार सपोर्ट मिला हुआ है आपको यहाँ पे ये, और भाई ये आप फ्रंट डोर देख सकते हैं, इंटीरियर जबकि इसका बेज है लेकिन इतनी साफ सुथरी रखना गाड़ी वाकई में एक चैलेंज का काम है भाई, बहुत खानदानी बंदे की गाड़ी लग रही है। उसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं लेन असिस्ट मिल जाता है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ से टिल्ट एंड टेलीस्कोपी इसका स्टीयरिंग मिल जाता है। और गाड़ी का अगर आपको मैं स्टार्टअप दिखाऊं भाई, तो गाड़ी का स्टार्टअप ये आइए, स्पीडोमीटर मिल जाता है आपको यहाँ पे, ये को मॉडल। उसके अलावा अगर हम रिवर्स डालें यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिल जाता है भाई, जो कि इसके साइड मिरर्स में भी लगा हुआ है, और रेयर पे भी आपको मैंने दिखाया है कैमरा, और फ्रंट पे भी है। और इसका सेंटर कंसोल देख सकते हैं, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिला हुआ है सारा, वन टच पे ऑटो भी है, मोड भी है, टेम्परेचर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारा FM का CD प्लेयर है, ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, ग्लव कंपार्ट एक ऊपर छोटा सा आपको स्पेस मिला हुआ है, और नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है भाई। बोनट देख सकते हैं आप, यहाँ से जेन्युइन है बोनट पूरा। और उसके अलावा यहाँ से आप इसके कुप्पे देख लें आप, बिल्कुल भी रस्ट नहीं है, और यहाँ से भी ये गाड़ी जेन्युइन है अंदर से। और उसके अलावा ये जो है अंदर इंजन की कंडीशन है, और 660 CC इंजन ऑफर करता है गाड़ी। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद शेखानी है। सर कौन सी गाड़ी लेके आए हुए हैं, कौन सा मॉडल? ये निसान डेज है 2015
का मॉडल है, 18 के रजिस्टर्ड है, फुल ऑप्शन गाड़ी है, 81,000 चली हुई है, 81,000 चली, आधी यहाँ पे चली हुई है, आधी जापान में चली हुई है, टोटल अच्छा। मेरे हाथ में चली है थ्रू आउट, जब से आई है मैंने इंपोर्ट करी है, सेल्फ इंपोर्ट। अच्छा, आपकी सेल्फ इंपोर्ट है गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, थ्रू आउट मेरे पास ही चली है। और क्या कहते हैं, अच्छा इंपोर्ट आपने करी है, आपके नाम पे ही होगी, डेफिनेटली आपके नाम पे ही होगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके क्लियर है? डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है इसके सारे हैं, प्री ऑप्शन बाई की भी है, ठीक है, और जो है वो कोई फॉल्ट नहीं है। और अच्छा, गाड़ी में ऑप्शंस क्या क्या हैं? गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री है और पुश स्टार्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल है। सबसे अच्छी बात जो इसकी है, जो इसका अपना इंजन होने है तो सही, लेकिन इतना अच्छी परफॉर्मेंस है कि 24 से 26 सिटी के अंदर विदाउट एसी गाड़ी देती है, विदाउट एसी देती है, विदाउट एसी सिटी के अंदर 24-26 की एवरेज आसानी से, आसानी से दे देती है जी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, और क्या कहते हैं, उसके अलावा 360 कैमरा वगैरह और क्या क्या है जी? आपने डोर खोलते वक्त लाइटें जो देखी थी, वो आफ्टर मार्केट है या ये सब कुछ जैपनीज लगी हुई है इसके अंदर? अच्छा, कंपनी फिटेड है, सारी कुछ भी इसमें आफ्टर मार्केट, कुछ भी नहीं लगाया मैं सिर्फ इसका ऑयल और पेट्रोल डालता हूँ और ये गाड़ी। और इतना मेंटेनेंस अगर एक एवरेज लगाए, कितने की मेंटेनेंस पड़ रही है? मैंने इसको 40,000 चलाया है, छह साल हो गए इसको चलाते हुए, और 40,000 चलाया मैंने, कम चलाई है इसको, कम चलाई है, लेकिन ये है कि बहुत बहुत 40,000 किलोमीटर पे कितना मेंटेनेंस पड़ गया एक एवरेज अगर लगाए आप? मैंने 8 दफा इसकी सर्विस कराई है, 8 दफा। और ये वन टाइम सर्विस कितने की होती है? सर्विस से मुराद ऑयल वगैरह? हाँ, ऑयल फिल्टर हो गया। हाँ, ये कितने की होता है? ये 4,000 रुपए की पड़ती है, 4,000 रुपए की। अब 5,000 भी पड़ गई बस, 5,000 किलोमीटर पे 5,000 पर किलोमीटर, 1 रुपया किलोमीटर पड़ जाती है। सही है, जबरदस्त अच्छी गाड़ी है मेंटेनेंस के हिसाब से। और इसके पैसे क्या मांग रहे हैं सर? मैं इसके जो है वो 25,25,000 रुपए मांग रहा हूँ, 25,25,000 रुपए। और इसमें क्या गुंजाइश हो जाएगी? 20-25,000 रुपए की करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सर, अपना नंबर बता दीजिएगा, 03462450840। और क्या कहते हैं, किस लोकेशन पे गाड़ी खड़ी हुई? गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर 13D2। अच्छा जी भाई, यहाँ पे हमारे पास करोला 2016 का मॉडल है, न्यू शेप में है, और उसके अलावा गाड़ी के अगर हम फ्रंट पे देखेंगे तो ग्रिल थोड़ी सी हमारी जो है, क्रोम थोड़ा पुराना हो रहा है, उसके अलावा गाड़ी जो है थोड़ी सी गंदी हो रही है, सफाई नहीं हुई है भाई गाड़ी की। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बम्पर पे देख लें, आपको ये फॉग लैंप नहीं मिला हुआ है, ये एक शेप दिया हुआ है, यहाँ पे फुल ऑप्शन पे फॉग लैंप मिलता है, और यहाँ पे क्रिस्टल गिलास के साथ हैलोजन बल्ब लाइट मिल जाती है आपको, ये सिल्वर क्रोम वर्क मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी का अगर हम बोनट खोल के देखें भाई, तो भाई गाड़ी का बॉनट जो है बिल्कुल जेन्युइन है, इस टाइम पे कहीं से बना हुआ लग नहीं रहा, या चेंज हुआ हुआ भी नहीं लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके कुप्पे देखें तो ये चीज़ भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, ये चीज़ आप देख सकते हैं जेन्युइन है बिल्कुल गाड़ी की। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं कहीं पर रस्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर रस्ट नहीं है, कुप्पे बिल्कुल ओरिजिनल हैं इसके। और इंजन की ये कंडीशन है, VVT-i इसका इंजन है भाई। उसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल की गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी स्क्रैचेस वगैरह और डेंट वगैरह आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और आपको व्हील कैप मिल जाते हैं, और टायर की जो कंडीशन आई वो ऑलमोस्ट 50% होंगे। साइड मिरर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम डोर्स खोलें तो डोर्स की बात करें तो भाई डोर्स के साफ सुथरे हैं, नीचे की कहीं पर रस्ट वगैरह नहीं है, फुटपाथ पर आप देख सकते हैं कहीं पर रस्ट नहीं है। उसके अलावा गाड़ी की झड़पें देख लें आप, यहाँ पे भी कहीं पे रस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी की अगर इंटीरियर देखें तो वो भी साफ़ सुथरा है, बेज इंटीरियर, बेज एंड ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन है इंटीरियर का। पहले डोर्स की बात करते हैं, डोर्स पे भी हमारे ये एक थोड़ा सा पुराना लग रहा है, बाकी कहीं से नहीं टूटा हुआ। बाकी इंटीरियर जो है भाई गाड़ी का बहुत साफ़ सुथरा है, डैशबोर्ड वगैरह कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ हुआ। उसके अलावा बेज कलर में आपकी सीट्स आ जाती हैं, आर्टिफिशियल लेदर के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको। इसके अलावा चलते हैं रेयर दिखाते हैं आपको गाड़ी का। अच्छा जी, रेयर डोर देखें तो भाई गाड़ी का रेयर डोर भी साफ़ सुथरा है नीचे से, और नीचे से फुटपाथ भी साफ़ सुथरी हैं, इसके पिलर्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, और यहाँ से झड़पे वगैरह देखें बिल्कुल भी कहीं से रस ज़रा सा भी नहीं है आपको। रेयर पे 3 पैसेंजर स्पेस मिलता है, सीट बेल्ट के साथ मिल जाता है, 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें आई थिंक 2 कप होल्डर भी होंगे, और ये रहे आपके 2 कप होल्डर। तो भाई ये है सीन करोला। रेयर पे आते हैं गाड़ी का, रेयर भी क्या कहते हैं गाड़ी का चेक कर लें, साफ सुथरा रेयर है, और गाड़ी जेन्युइन कितना परसेंट है, शावर है, वो अभी ओनर से बात करेंगे तो वो पता चलेगा। अच्छा जी, गाड़ी का अगर हम बूट खोल के दिखाएं आपको तो भाई ये पूरी डोरी अपनी जो है जगह पे चल रही है,
और उसके अलावा यहाँ पे भी आपकी फॉर्मिंग वगैरह हुई हुई है जो आपकी नॉइस कंट्रोल करने के लिए होती है। उसके अलावा ये भाई एक ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है आपको, आराम से 3 बड़े बैग 4 बैग आराम से रख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो बहुत साफ़ सुथरी है भाई, रेयर हो इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी अच्छा खासा साफ़ सुथरा है। उसके अलावा गाड़ी की ये वाली साइड प्रोफाइल देख लें आप, और ये प्रोफाइल भी साफ़ सुथरी है गाड़ी की, कहीं से स्क्रैचेस और डेंट नहीं है। और भाई डोर की हालत अगर हम देखें तो डोर हमारा जेन्युइन चल रहा है, फुटपाथ हमारी ओरिजिनल है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पिलर भी बिल्कुल भी कोई भी काम हुआ हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये आपकी जड़ पे आ गई है इस डोर की। इसके अलावा फ्रंट डोर देखें भाई गाड़ी का, तो फ्रंट डोर भी गाड़ी का बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं से भी रस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये फुटपाथ देख सकते हैं आप, और यहाँ से पिलर देख लें, पिलर भी बिल्कुल अपनी जगह पे हैं और सीधे हैं। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं मिरर एडजस्टमेंट मिल जाती है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, अनवर नाम है, सॉरी अनवर नाम है। अच्छा अनवर भाई, कौन सी गाड़ी लाए हैं, कौन सा मॉडल है, कब की रजिस्ट्रेशन? 2016 की GLI मैनुअल है। GLI मैनुअल है जी। और क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन भी 16 की है? जी 16 की। अच्छा और गाड़ी के क्या पैसे मांग रहे हैं आप? ये 33,50,000 रुपये, 33,50,000 रुपये मांग रहे हैं। और इसमें क्या गुंजाइश हो जाएगी? इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। अच्छा और क्या कहते हैं, CPLC क्लियर है गाड़ी की? सब चीज़ क्लियर है, सेकंड ओनर गाड़ी है। आपके नाम पे सेकंड? नहीं नहीं, आपके पास अभी ओपन लेटर पे है ना गाड़ी जी। और कितने किलोमीटर चली हुई है? 90,000 किलोमीटर। और सस्पेंशन गाड़ी का कैसा है? A1 है। और AC? A1। गाड़ी में कोई काम नहीं? कोई काम? अरे सर कुछ तो होगा, 10-20 कोई काम नहीं, कोई तो काम निकाल नहीं है, कोई बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। आप तो तेरी गाड़ी है, लो और चलाओ, तंग करने वाली है? नहीं नहीं नहीं, आपके डेली यूज में, या मतलब आप डेली यूज में तो सेल परचेज का ही काम है आपका? नहीं नहीं, सेल परचेज। चलिए ठीक है। अच्छा अपना नंबर बता दीजिए। 0333-0-99-583। और क्या कहते हैं, इसके कहाँ पे खड़ी हुई है लोकेशन? ये गार्डन ईस्ट। अच्छा जी, हमारे पास इंडस करोला हमारे पास मौजूद है भाई, और ये है 93 का मॉडल, 94 की रजिस्ट्रेशन है और इम्पोर्टेड वेरियंट है बेसिकली। और गाड़ी का फ्रंट देख सकते हैं आप, बहुत साफ सुथरा है। और इंडिकेटर देख सकते हैं आप बम्पर पे दिए हुए इसके, और फ्रंट की ग्रिल देख लें आप, ये भी ओरिजिनल है अभी तक। और बाहर से ये जो है फर्स्ट टाइम शावर हुई हुई है, अंदर से ये बिल्कुल जेन्युइन है भाई। बोनट बहुत भारी है भाई इसका। उसके अलावा बोनट देख सकते हैं आप अंदर से जेन्युइन कंडीशन में, गाड़ी अंदर से जेन्युइन कंडीशन में, इंजन रूम आप देख लें कहीं से रस्ट वगैरह नहीं है, कुप्पे कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और 1.3 लीटर के साथ इसका जो है टोयोटा ऑफर करता है इंजन। और टिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी लगी हुई है, बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके क्लियर हैं, CPLC गाड़ी की क्लियर है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो बिल्कुल फ्रेश लुक दे रही है गाड़ी, और टायर्स बिल्कुल जो है क्या कहते हैं अच्छे हैं, 80 कंडीशन में तो होंगे, 80% कंडीशन में हैं अपने टायर। और यहाँ पे ये डोर विजर्स आपके मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम डोर्स देखें यहाँ से भाई, तो डोर की डोरियाँ चल रही हैं बिल्कुल, और कहीं से रस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और नीचे यहाँ पे आपकी फुटपाथ जो है बनी हुई नहीं है। उसके अलावा अगर हम पिलर देखें तो पिलर कहीं से बना हुआ नहीं है, यहाँ पे हल्का पुल्का रस्ट है, जड़ पे बिल्कुल साफ़ सुथरी है, नीचे वाली पे हल्का पुल्का रस्ट है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो टेक्सचर मटेरियल के साथ इसकी सीट्स ऑफर करता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। और यहाँ पे डैशबोर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है, LCD लगी हुई है, तो बैक कैमरा भी लगाया हुआ होगा भाई ने। उसके अलावा गाड़ी में CNG पेट्रोल दोनों चीज़ें, हैजल लाइट बटन देख सकते हैं आप यहाँ पे, डिफरेंट जगह पे डिफॉगर का बटन मिल जाता है आपको। उसके अलावा गाड़ी जो है ऑटो है, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग है, बाकी गियर ट्रांसमिशन मैनुअल है। रेयर डोर देखें तो भाई ये भी बहुत साफ सुथरा है, और उसके अलावा ये भाई ने सीट उतार के अंदर का रखा हुआ भाई की, यहाँ से भी देख लो कहीं से रस्ट वगैरह नहीं है। और यहाँ पे झड़पें देख लें आप गाड़ी की, वो भी साफ सुथरी है, फुटपाथ साफ सुथरी है। ये वाला आपका पिलर जो है बिल्कुल साफ सुथरा है। उसके अलावा अगर हम बूट देखें गाड़ी का तो ये आपकी डोरियां चल रही हैं बूट पे भी, और ये भी कहीं से गली गली भी बिल्कुल भी नहीं है। अंदर ये नॉइस कंट्रोल के लिए लगा हुआ है, जैपनीज़ गाड़ी है तो भाई ये चीज़ मिलेगी, पेटी लगाई भी है भाई ने। और गाड़ी की अगर हम डिग्गी बंद करें तो ये भाई XE वेरियंट है और लिमिटेड वेरियंट है। और मैंने जैसा कहा था रेयर कैमरा लगा हुआ, रेयर कैमरा इंस्टॉल है भाई गाड़ी में। उसके अलावा ये वाली साइड प्रोफाइल देखें,
तो ये भी काफ़ी फ्रेश है आपकी। और टायर्स की कंडीशन मैंने जैसे बताया 80-70% तो है बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम डोर देखें तो डोर की डोरियाँ अपनी जगह पे चल रही हैं भाई, कहीं से भी गला वाला हुआ नहीं है। फुटपाथ देखें तो नहीं गला हुआ। और यहाँ से अगर हम इसका अगर हम पिलर्स की कंडीशन देखेंगे तो वो भी हमारी साफ़ सुथरी हैं। उसके अलावा ये झड़पें हैं आपकी गाड़ी की, दोनों झड़पें साफ़ सुथरी हैं। और इसका हम मेन डोर देख लेते हैं, मेन डोर भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है भाई। और उसके अलावा ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपके टूटा हुआ है। और यहाँ से बटन वगैरह आपके पूरे यहाँ से आपका मिरर कंट्रोल का ऑप्शन मिल जा रहा है। और ये आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। अच्छा जी, भाई का नंबर पूछ लेते हैं। जी भाई, 0301-23-23-82-736। और लोकेशन क्या है भाई इसकी? कराची नर्सरी फाटक पे भाई ये गाड़ी खड़ी है। अच्छा जी, इंजन रूम देख सकते हैं गाड़ी का, यहाँ से ये देख लें कंप्लीट जेनियन है। कुप्पे वगैरह पे कहीं पे भी रस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पे भी कहीं पे रस्ट वगैरह नहीं है गाड़ी के इंजन में। और उसके अलावा मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है गाड़ी की। और यहाँ पे आप बोनेट की कंडीशन देख लें तो ये भी डोरियाँ चल रही हैं, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा रस्ट पुराना हुआ है क्योंकि 2003 का मॉडल है, बाकी मेजर कोई भी जो है रस्ट नहीं है गाड़ी में। इसके अलावा जैसे मैंने साइड प्रोफाइल पर बताया, कलर काफ़ी फेड हो चुका है गाड़ी का। छत पे भी देख सकते हैं आप कलर फेड है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप रेयर फेंडर पे भी देख लें कलर फेड हुआ है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के अंदर से डोर्स देखें तो भाई अंदर से डोर्स की कंडीशन साफ़ सुथरी है, यहाँ पे थोड़ा सा रस्ट वगैरह है। उसके अलावा फुटपाथ बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, इसके पिलर्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। उसके अलावा झड़पें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं भाई गाड़ी की। ये आप भाई गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। वाली सीट आपकी जो है थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, उसके अलावा इंटीरियर कहीं से टूटा हुआ नहीं है भाई। यहाँ पे आप सेंटर में एक स्पेस मिल जाता है आपको, यहाँ पे एक है आपको एस्ट्रे मिल जाती है। उसके अलावा आर्म रेस्ट नहीं है गाड़ी में, ये आपको एक ड्राइवर साइड के लिए मिल जाता है आर्म रेस्ट। चलते हैं और रेयर का डोर देखते हैं गाड़ी का भाई। तो गाड़ी का रेयर का डोर देख लें तो आपको नीचे से थोड़ा सा आपको रस्ट मिलेगा, बाकी जो है रेयर डोर भी आपका साफ़ सुथरा है। इसके अलावा फुटपाथ वगैरह नहीं बनी हुई है गाड़ी की, और कलर वगैरह देख सकते हैं आप बिल्कुल भी नहीं बने हुए। और यहाँ से ये थोड़ी सी जो है गत्ते वत्ते पुराने पुराने लग रहे हैं, बाकी टूटा फूटा हुआ कुछ भी नहीं है भाई। इसके अलावा अगर हम गाड़ी का रेयर देखें तो भाई इसमें कैमरा इंस्टॉल है बट वर्किंग में नहीं है। और रेयर पे भी कोई लाइट वगैरह हमारी और कुछ चीज़ टूटी भी नहीं है। बूट खोल के देखते हैं गाड़ी का, तो बूट पे आपको डोरियाँ अपनी पूरी चलती हुई मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे भी रस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी नॉइस कंट्रोलिंग के लिए, तो ये भी आपका कंप्लीट मिलता है। उसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो ये भी अभी फॉर्मिंग अभी तक जो है गाड़ी की जीनियन है, और स्पेयर व्हील ऑफर कर देता है गाड़ी आपको भाई। गाड़ी की ये वाली साइड प्रोफाइल भी देख लें आप, और उसके अलावा यहाँ पे भी आपको डोर विज़र मिल जाते हैं। और गाड़ी भाई दरवाज़ा खोलें अगर हम, तो गाड़ी का डोर देख लें, यहाँ से हम किनारियाँ देख लें, ये गाड़ी का दरवाज़ा बना हुआ लग रहा है भाई। और ये भी पूछ लेते हैं अभी। उसके अलावा फुटपाथ देख सकते हैं आप, यहाँ से आप इसके पिलर देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे। उसके अलावा फ्रंट डोर देखें अगर गाड़ी का हम, तो फ्रंट डोर भी गाड़ी का साफ़ सुथरा है, और ये गाड़ी का जेनियन लग रहा है भाई मुझे। उसके अलावा फुटपाथ इसकी जेनियन है, इसके पिलर्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, यहाँ से मिरर कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, और सेम वही ऑप्शन है जो इंडस में मिलते हैं। और यही पावर विंडो पावर स्टीयरिंग के साथ है, और मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है, बाकी ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, राशिद नाम है हमारा माशाल्लाह से। और राशिद भाई कौन सी गाड़ी लाए हैं, कौन सा? ये होंडा सिटी 2003 की मॉडल है। सॉरी सर, होंडा सिटी 2003। सर होंडा सिविक होगी, सिविक, होंडा सिविक 2003 2003 का मॉडल है, होंडा सिविक है। अच्छा, गाड़ी जेनियन है, शावर है क्या? 80% जेनियन है, इसके इंजन भी जेनियन है, और इसकी सब चीजें जेनियन, तकरीबन कोई भी चीज मैनुअल है, इसे बनाई हुई चीज नहीं, सारे ओरिजिनल है। अच्छा, और आपके नाम पे गाड़ी है? ओपन लेटर नहीं, अभी ओपन लेटर पे, ओपन लेटर, ओपन लेटर पे। अच्छा, गाड़ी के पैसे क्या मांग रहे हैं? 12,30,000। 12,30,000। और क्या इसमें डिस्काउंट हो जाएगा? बस इसमें अगर कैश पे लेंगे तो कुछ डिस्काउंट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, गाड़ी के इंजन में काम है, एसी में काम है? नहीं नहीं, सब ईच एंड एवरीथिंग ओके है, सब चीज सही है, इंजन भी ओके है, नया ओरिजिनल है, और इसके सस्पेंशन वगैरह सब चीज ओरिजिनल है, और तकरीबन 6 महीने से हमारे पास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। तो गाड़ी अभी इतनी जल्दी क्यों बेच रहे सर? अभी असल में कुछ रिक्वायरमेंट थी हमें, और इसको आगे दूसरी गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह। ओके, काम है आपका सेल परचेज का? हाँ, यस यस, सेल परचेज का काम करते हैं, चेंज करते हैं, 6 महीने साल में चेंज कर देते हैं। चलें ठीक है। अच्छा, अपना नंबर बता दीजिएगा।
0334-3106-028। और किस लोकेशन पे खड़ी है गाड़ी? ये आपके 13D हसन स्क्वायर। भाई यहाँ पे हमारे पास शरार्ड मौजूद है, 84 का मॉडल है, बट ये इम्पोर्टेड वेरिएंट है और ये क्या कहते हैं बहुत साफ सुथरी गाड़ी है भाई, और इसके ऑप्शन भी थोड़े से डिफरेंट हैं और ये हायर उप कहलाती है। इसमें शरार्ड में ऊंची छत वाली जो होती है, बाकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल देख लें, फ्रेश लुक के लिए बाहर से शावर है गाड़ी, अंदर से 100% जेन्युइन है। गाड़ी का इंजन रूम देखें अगर हम तो बोनेट की कंडीशन साफ सुथरी है, हल्का फुल्का रस्ट है, इतनी पुरानी गाड़ी है। बाकी यहाँ से आप पुख्ते देख लें, यहाँ पे एक थोड़ा मेजर रस्ट लग रहा है, ये थोड़ा सा एक मेजर है, यहाँ पे टिकली लगी हुई है गाड़ी की, ये पट्टी थोड़ी मेजर रस्ट में लग रही है, बाकी वाला पुख्ते भी जो है थोड़ा सा खराब लग रहा है गाड़ी का। बाकी सुन इंजन है भाई गाड़ी का और 17 से 18 एवरेज दे रहा है, बड़ी बात है भाई। इसके अलावा चलते हैं अंदर, गाड़ी के डोर दिखाते हैं आपको भाई, और ये डोर देख लें आप, और ये मुझे लग रहा है भाई ये भी बना हुआ है, ये भाई कह रहे हैं जेन्युइन है, और ये डोर मुझे खैर लग नहीं रहा जेन्युइन। बाकी अंदर से इंटीरियर की कंडीशन देख लें तो इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं है, सीट्स हमारी जो है आफ्टर मार्केट, इस पर आर्टिफिशियल लेदर चढ़ा हुआ है। गाड़ी की अगर झड़पें देखें तो साफ़ सुथरी हैं दरवाज़ों की। बाकी शरार्ट पर्सनली पसंद बहुत है भाई मुझे भी, तो इस वजह से हम इसकी वीडियो भी कर रहे हैं। ये चीज़ें गाड़ी की ख़राब हुई हुई हैं, ऊपर से ये चीज़ें भी बनी हुई हैं भाई गाड़ी की, गाड़ी लग रही है भाई बनी हुई, फुटपाथ वगैरह भी, और ये पिलर वगैरह बिल्कुल सीधे, गाड़ी के पीछे से रेयर देख लें, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंडीशन में नहीं है। उसके अलावा अगर हम रेयर देखें गाड़ी का तो लाइट्स वगैरह कहीं से टूटी भी नहीं है, साफ़ सुथरी हैं, और ये कंपनी फिटेड आपको रेयर वाइपर मिलता है। उसके अलावा अगर हम बूट देखें गाड़ी का तो भाई यहाँ पे डोरी चल रही है गाड़ी की, उसके अलावा यहाँ पे डोरी चल रही है गाड़ी में, कहीं कहीं मुझे रस नहीं है, झड़पे देख लें आप। उसके अलावा ये ओरिजिनल पेट्रोल पे है, CNG इंस्टॉल हो ही नहीं है भाई गाड़ी में। ये आप यहाँ की साइड की जगह देख लें, गाड़ी थोड़ी सी गंदी रखी हुई, बहुत साफ़ सुथरी अंदर से नहीं रखी हुई है। और ये वाला डोर देख लें आप, इस डोर पर मुझे लग रहा है काम हुआ है भाई, इसकी फुटपाथ देख लें आप, बाकी इसके पिलर बिल्कुल सीधे हैं और कहीं से भी काम नहीं हुआ, बाकी झड़पें देखें आप तो साफ सुथरी हैं। उसके अलावा अगर हम ये वाला डोर खोलें गाड़ी का तो इस डोर की कंडीशन देखेंगे तो कहीं से रफ लेफ्ट है बिल्कुल, और झड़पें इस गाड़ी के झड़पें देखें इस डोर की तो वो भी साफ़ सुथरी है। बाकी इंटीरियर इतना मज़ेदार कंडीशन में नहीं है भाई, और इसके जो पैसे मांग रहे हैं भाई 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। 0305-2168-864। और खड़ी भी कहाँ है ये? डिफेंस फेस 7 में शहर कमर्शियल पे गाड़ी खड़ी हुई। तो भाई यहाँ पे एक और हमारे पास इंडस मौजूद है और 299 का मॉडल है और 99 की रजिस्ट्रेशन है, लोकल वेरियंट है ये बेसिकली, और फुटपाथ पे इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाकी इसकी शो वगैरह देख लें आप, बिल्कुल अपनी जगह पे साफ़ सुथरी है, कहीं से बम्पर हल्का फुल्का है बट कोई मेजर टूटा हुआ भी नहीं है। बाकी गाड़ी का बोनट खोलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल, देखें बाहर से शावर है गाड़ी, अंदर से कंप्लीट जेन्युइन है। और चलते हैं अंदर से गाड़ी के डोर्स वगैरह देखते हैं, इंटीरियर चेक करते हैं भाई, तो डोर्स भाई बहुत साफ़ सुथरे हो रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गत्ते वगैरह टूटे हुए नहीं है, स्पीकर मिल जाता है डोर पे, झड़पे साफ़ सुथरी है, इंटीरियर बहुत साफ़ सुथरा है भाई, कहीं से टूटा फूटा नहीं है डैशबोर्ड, कोई चीज़ नहीं टूटी हुई है। और अगर सीट्स की बात करें तो ये आर्टिफिशियल लेदर पे हैं और थोड़ी सी ख़राब हो रही है सीट्स। और अगर हम रेयर डोर देखें गाड़ी का तो रेयर डोर पे भी कहीं से टूटा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत पुराना हुआ है। और यहाँ से आप नीचे से देख सकते हैं इसकी झड़पें, फुटपाथ देख लें आप, इसके पिलर देख लें अपनी जगह पे हैं। उसके अलावा गाड़ी का रेयर देख लें, अगर हम रेयर देखें गाड़ी का तो रेयर भी साफ़ सुथरा है। बूट खोल के देखते हैं गाड़ी की, अगर हम डिग्गी खोल के देखें भाई तो देखते हैं क्या कह रही है डिग्गी, और अंदर से गाड़ी की डिग्गी भी जेन्युइन है, और यहाँ पे अभी तक कवर वगैरह चढ़े हुए हैं, अंदर स्पेस अच्छा खासा आपको मिल जाता है, पेट्रोल भी ऑल थ्रू का, और यहाँ से आप देख सकते हैं रस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा अगर हम ये वाली प्रोफाइल देखें गाड़ी की तो ये भी साफ़ सुथरी है। अगर टायर्स की कंडीशन की बात करें तो थोड़े से रफ लग रहे हैं मुझे, बाकी इतने भी बुरी हालत में नहीं है। उसके अलावा यहाँ से देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा काम हुआ है, फुटपाथ देख सकते हैं बिल्कुल नहीं बनी हुई है, और यहाँ पे आप पिलर देख लें बिल्कुल भी नहीं बने हुए हैं, और ये झड़पे गाड़ी की देख लें आप साफ सुथरी। ये वाला डोर मेन डोर देखते हैं भाई गाड़ी का क्या कह रहा है, मेन डोर आपका जेन्युइन कंडीशन में रस लेस है, यहाँ पे आप फुटपाथ वगैरह देख लें साफ सुथरे हैं, पिलर वगैरह देख लें, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है पिलर ख़राब हुआ है या तो ये बना हुआ है। यहाँ से आपको मिरर कंट्रोल मिलते हैं, ये दो बटन पता नहीं किस लिए लगे हुए हैं, ये पूछना पड़ेंगे। इसके अलावा
ये आपकी इंटीरियर की कंडीशन है। 10.5 लाख रुपए मांग रहे हैं भाई इसके, और नंबर बता दीजिएगा अपना 0313-2576-505। और ये किस लोकेशन पे खड़ी हुई गाड़ी कराची में? फौजे अजमेर नगरी में। आप कैसे? अच्छा जी भाई, यहाँ पे मार्केट में आपको पता है एक ही फेमस पर्सनालिटी आती है एहसान शाह, और आज हमें मिल गए और इनसे बात करिए। मैं समझ रहा था भाई कोलैब्स करने के बड़े पैसे वैसे होंगे, लेकिन भाई बड़ा फ्रेंडली बंदा है। और एहसान भाई कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एहसान भाई, मार्केट की क्या सूरत हाल चल रही है? सर मार्केट आज बहुत ठंडी है और कोई सौदे वौदे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी देखा जाए तो गाड़ियों के मार्केट वैसे ही काफी स्लो है, क्योंकि ज्यादा रेट वाली गाड़ियां लोग ले नहीं रहे हैं, कम रेट वाली गाड़ियों के रेट ज्यादा हो गए, तो वो टकराव ऐसा चल रहा है कि अब कम रेट वाली गाड़ी इस चक्कर में नहीं बिक रही कि उसके रेट ज्यादा है, और जो ज्यादा रेट वाली गाड़ी है वो तो फिर बंदा ले ही वैसे ही नहीं रहा क्योंकि गाड़ियां महंगी है। सही है, तो ये अभी सूरत है हाल है मार्केट की। बाकी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मार्केट की जो है वो सिचुएशन और अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, ताकि लोगों का रोजगार जो है वो इस काम से चल सके। आमीन आमीन। बाकी ये कि भाई भाई का चैनल है, भाई भी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप लोग देखा करें भाई, लाइक करा करें, थोड़ा अप्रिशिएट किया करें, ताकि बंदा और ज्यादा मेहनत करे। थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू सो मच भाई। ये एक छोटा सा मीटअप था और बंदे के सब्सक्राइबर तकरीबन कोई 1.5 लाख तो होंगे या उससे ऊपर ही हैं, और यहाँ पे मार्केट में एहसान शाह को ही जानती है पब्लिक आज भी। तो भाई मैंने पूछा बस, और उन्होंने बोला बनाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, कोलैप्स करने की कोई टेंशन ही नहीं है। तो गाड़ी की आपने मार्केट की सिचुएशन देख ली है, आपने बहुत ज़्यादा ऊपर है भाई, और एहसान भाई ने भी हमारे बताया कि क्या सिचुएशन है। तो इसके साथ मुझे नहीं इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।